517 जो 18 आलू का क्या रेट है और आलू का भाव क्या है, मंडियां खुली हैं या नहीं खुली हैं, क्यों रेट के उतार चढ़ाव बना हुआ है, इस वीडियो में आप जानेंगे किसान भाइयों के रेट जो है काफ़ी अच्छे चल रहे हैं इस वक्त और किसानों की उत्पादन लागत भी अब निकलती हुई हमें दिख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावर कृषि, मैं हूँ सोनू चौधरी। स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक ही निवेदन है, अगर चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, क्योंकि भीषण गर्मी में हम आपके लिए जान जोखिम में डाल के कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपको आवाज़ भी हमारी थोड़ा स्लो आ रही होगी, क्योंकि हमारी तबीयत बिगड़ी हुई है और तबीयत बिगड़ी होने के कारण हम वीडियो बनाना बंद नहीं कर सकते। जो वीडियो हमने उठाया वो आप तक बदस्तर जारी रहेगा जब तक आप लोगों को लाभकारी मूल्य न दिला दें। यही हमारा डेली वीडियो को अपलोड करने का मकसद रहता है, सिर्फ यही बताते हैं कि इस कोल्ड स्टोरेज में क्या रहे, क्योंकि आगरा अलीगढ़ मंडल में कोल्ड स्टोरेज है न कि मंडी। स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या किसान भाइयों इसमें मैं मौजूद हूँ जनपद मथुरा के एक कोल्ड स्टोरेज में। और जैसा कि आप हम आपको हाथरस डिस्ट्रिक्ट की दिखाते हैं, तो आज मथुरा डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी किसानों के हमारे पास फ़ोन आए थे, बोल रहे थे भाई हमें इस कोल्ड स्टोरेज के दिखाएं जहाँ से 50% आलू की निकासी हो चुकी है। तो नमस्कार, ये देखिए, ये सौंक अड्डे पर है, सौंक रोड पर है ये कोल्ड स्टोरेज, और यहाँ पर 50% से ज़्यादा आलू की निकासी हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर जो रेट चल रहे हैं वो 37-97 के जो रेट हुए हैं, A1 क्वालिटी के यानी कि 585 से 625 रुपये तक के बीच हैं, यानी आलू के अनुसार क्वालिटी के, उससे नीचे भी हैं, लेकिन 37-97 सुपर क्लास का जो आलू है उसके रेट हैं 602 रुपये। आज 602 रुपये में अगर आप बात करें T7 भी है, T7 के जो रेट हैं वो 635 और सूर्या 655, यानी काफ़ी बेहतर है अन्य कोल्ड स्टोरेज मुकाबले। इस कोल्ड स्टोरेज में यहाँ पर जो व्यापारी आते हैं वो काफ़ी दूर दूर से आते हैं, न कि स्थानीय व्यापारी होते हैं, और जो व्यापारी आते हैं वहाँ आपको अभी भी क्वालिटी चाहिए 37-97 आलू है और काफ़ी क्वालिटी का अच्छा है। और इसके जो दाम लगे हैं आप खुद देख लीजिए, इसके जो दाम हैं वो लगे हैं 602 रुपये 37-97 है, और ये क्वालिटी के काफ़ी अच्छा है। और आप बात करते हैं अब किसानी मॉडल में, और युवा किसान हैं और युवा किसान से पूछ लेते हैं क्या क्या रेट मिला है यार उन्हें, क्योंकि बस 37-97 है, 7 भी है। और देखिए मेरे पास में सूर्या के किसान भी बैठे हैं, जो सूर्या आलू का उत्पादन है, कैमरा मैन जरा दिखाइए सूर्या के किसान, उनसे पूछेंगे उनके सूर्या क्या रेट में बिका है। फिलहाल T7 और 37-97 रेट का आलू कहाँ के रहने वाले हैं और कितना आलू उन्होंने बेचा है, कितने कट्टे किए थे आप आज कितने कट्टे? 500। यानी किसान भाई उम्मीदों के पर लगने शुरू हो गए, क्योंकि मंडियां खुल गई हैं तो रेट भी बढ़ रहे हैं, और रेट बढ़ रहे हैं तो इन्हें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मेरे साथ में एक और व्यापारी मौजूद है और इनसे पूछ लेते हैं, ये कुछ कुछ चीज़ें बैठे हुए हैं कहेंगे थोड़ों में दर्द हो रहा होगा, तो पूछ लेते हैं कहाँ के रहने वाले, बस यही करना है। तो ये बताइए 602 रुपये लग गया कि 602 रुपये लग गए? हाँ, हमारे भाई साहब भोपाली साहब ने लिए, आगे जाके क्या लग रहा है आलू का दाम बढ़ेगा? भाई साहब उम्मीद तो है आलू कितना जा सकता है, आलू कम से कम 1200-1250 रुपये का रेट मिलेगा। मोसा क्यों नहीं बनाया तुमने का? अभी तो देखो कितना बढ़ेगा, अभी तो असल को देख रहे हैं, असल में 1200 रुपये है, आलू तो 1200-1250 क्या है, 650 रुपये, 650 लग रहा है, तो 650 में आप अपनी लागत निकल पा रहे हैं? भाड़ा तो निकल गई है, पर यह है कि भाड़ा पड़ रहा है उसका और हमारा भी खर्चा चल रहा है। किसानों के लिए क्या सलाह है आपकी, बेचेंगे ना बेचेंगे? भाई साहब थोड़ा खर्चे के लिए देखते हैं, नहीं तो पैसा बढ़ेगा। किसान भाइयों ये साफ कह रहे हैं क्या है, अब जो है आलू अगर असल की फसल बर्बाद हो गई यानी कि कुछ फर्क पड़ा तो आलू पर होगा, इसके लिए आप कमेंट करते हैं कि भाई असल की फसल के बारे में बताएं। तो किसान भाइयों मेरे चैनल पर आपको कल आपको ये असल की फसल के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी, चलो इनसे
क्योंकि हसन क्या है, हसन का रकबा कितना है, हसन का जिला जिले की स्थिति क्या है, हसन का प्रोडक्शन कितना है, कितने उसमें होता है, कितने क्षेत्र एरिया में होता है, कितनी लागत लगती है, कितना उत्पादन होता है, ये सब कल आपको वीडियो अपलोड होती हुई मिल जाएगी। लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और किसानों से कहें चैनल से जुड़ें, क्योंकि हम पूरा एनालिटिस करके बताते हैं तभी वीडियो पब्लिश करते हैं, अन्यथा की स्थिति में फर्जीवाड़े करने वाले और भी बहुत हैं। हम वही चीज़ दिखाते हैं जो आलू किसानों के साथ होती है। मेरे साथ में व्यापारी किसान हैं, मेरे साथ में व्यापारी मौजूद हैं। अब व्यापारी से पूछते हैं, ये क्या नाम है किसानी के पास में? यहाँ मतलब आपको आलू खरीदने आए तो क्या सोच के खरीदने आए हैं? हम खरीदने आए हैं क्या चार पैसा बचे हिसाब से पट गया है क्या पटा है हिसाब से नहीं पटा है तो क्या क्या रेट में खरीदना पड़ा है? 602 650 में कौन सा आलू मिल जाएगा? सूर्या और 3700 602 क्या लग रहा है? आलू जो है 1200 रुपये पहुँच जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है? हसन की फसल, यानी कि व्यापारियों से लेकर किसानों तक ये बात धर गई है, आलू की हसन की फसल क्या है? ये हसन की फसल अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी, हमारे साथ में विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या है ये हसन की फसल। हर कोई किसान हो या व्यापारी, सब हसन हसन की फसल क्या है? क्या है किसान भाइयों, मथुरा के कोल्ड स्टोरेजों में अब व्यापारी से लेकर किसी विशेषज्ञ बोलने लगे हैं कि जो आलू है वो 750 भी बिकेगा, 800 बिकेगा, और व्यापारी तो अब पर भी लग गए 1200 भी बिकेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर तो किसानों के साथ 101% करें, क्योंकि आलू किसानों के साथ खड़े हैं, आलू किसानों का रोजाना अपडेट देते हैं। बहरहाल, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।